आपको कमी तो नहीं रहेगी सामान में? नहीं, पूरा सामान ले लिया ना तुमने? मैंने पूरा सामान ले लिया। अब देख, मुझे एक हफ्ते तक तू परेशान मत करियो, क्योंकि रोज रोज बाजार जा जाकर मैं भी तंग आ गया हूँ। ठीक है पिताजी, नहीं करूंगी परेशान। हाँ, और बाकी वैसे कोई कमी आएगी नहीं, और तुझे और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दी। ठीक है, चल भाई। और ताऊ राम राम। राम राम। राम राम। और बढ़िया। मैं तो बढ़िया हूँ कृपा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते ताऊ, मुझे पहचान नहीं हुई, कौन है ये? अरे करेगा कहाँ से पहचान, अरे तेरे सामने छोटी सी थी ये, तुझे कहाँ से पहचान होगी। और जब ये समझदार हुई तो मैंने 8-9 साल की हुई तो मैंने इसे हॉस्टल भेज दिया। अच्छा। अरे ये बिटिया है मेरी। तुम्हारी बिटिया है? हाँ। अरे तो तुमने तो ये यहाँ का रखी, तुम तो वहाँ छोड़ के आए थे ना इसे? हाँ, तो मई से अब ये आ गई, इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। वापस नहीं आऊंगी क्या? तो ये गई कहाँ थी, इतने दिनों से कहाँ गायब थी? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। हॉस्टल में थी। हॉस्टल में पढ़ने गई थी। हॉस्टल ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है कि तुमने गुरुकुल सुने थे पहले? वृंदावन वाले गुरुकुल सुने? वो भागवत का जगह है। भागवत है? नहीं नहीं, भागवत वाले नहीं, उसमें ब्राह्मणों की पाठ पढ़ाए जाते, ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, उनको शिक्षा दी जाती थी। इसी तरह से क्या कहते हैं, हॉस्टल होती है, उनमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। तो ये हॉस्टल भेज दी थी मैंने। अब ये समझदार हो गई, अब पढ़ लिख ली, इसने अपनी क्या कहते हैं डिग्री ले ली। अब मैंने लेके मैंने कहा अब तू क्या करेगी, ज्यादा पढ़ के तू घर ही आ जा, तो मैंने घर बुला लिया। समझ में आया ना? समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये वही। अरे अब तो काफी बड़ी हुई है। हाँ हाँ, समझदार हो गई है। अच्छा, अब ये पढ़ाई वढ़ाई कर रही है कोई? नहीं नहीं, पढ़ाई तो इसकी पूरी हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको यहीं घर पे रखूंगा। यहाँ पे अब इसकी नौकरी लगने का इंतजार है। इसकी कोई अच्छी खासी नौकरी लग जाए तो बढ़िया सा सुंदर सा एक सुशील सा लड़का देख के और इसकी शादी संपन्न कर कर मैं भी गंगा नहाऊं। मतलब एक बात बताता हूँ, मेरे मन में एक शंका है। पूछो। बात ये है कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक तुम शादी नहीं कराओगे ना? है शादी कराने की बात कर रहा है तू? मैं सोच भी नहीं सकता। अरे नौकरी लग जाएगी, नौकरी इसकी लग जाएगी तो नौकरी बंद लड़का तो मिलेगा मुझे। अरे इसके इसके काबिल। अरे नौकरी, ये भी नौकरी करती है और मेरी लड़की थोड़ी शौकीन है बाहर की चीजें, नई नई तरह के कपड़े पहनना और नई नई चीजें लाना, नई नई चीजें खरीदना, इसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी लड़की के शौक मौज में कोई भी कमी आए। अरे तो ताऊ ऐसा क्यों वो कर रहे हो? अरे नौकरी शादी कर दो, कोई अच्छा सा लड़का देख लो। अरे ये तो आराम से नौकरी लगा लेगी। क्या पता पेंट कितने की पेंट रखी है इसने? अरे तो उससे क्या मतलब है कि कितने रुपए? 7,000 रुपए की पेंट है ये। 12,000 रुपए के कपड़े हैं चश्मे सहित। 12,000 रुपए के कपड़े और लाखों रुपए के कपड़े इसकी अलमारी में अभी भी भरे रखे हैं। एक बार मेरी लड़की जो जूता पहन ले उस जूते को दोबारा पैर में नहीं पहनती। अरे तो ताऊ एक बार जो मेरी लड़की ने चश्मा लगा लिया तो वो चश्मा उसके लिए बेकार। अरे तो ढेर। एक बार जो लड़की ने मेरे ने अपने तन पर कोई भी परफ्यूम लगा लिया, परफ्यूम जानता है तुम तो सुना भी नहीं होगा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेंट। अरे ठीक है, सेंट लगा लिया तो दोबारा उसकी सुगंध इसके ऊपर शरीर पर आ नहीं सकती। तो सुनो एक बात और बता दूं तुम्हें, तुम है का है मुल्तान मर जाओगे पर इस बेटी का विवाह नहीं होगा। क्यों? अगर तुम ऐसी करोगे, जब तुम ऐसी सुन बेटा, नहीं मुझे एक बात बताओ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि तुमने इसको पढ़ाया है या तुमने इसको हवा में उड़ाया है। पढ़ाया है? कहाँ पढ़ाया? अरे अब इसकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के बाद ये जो है क्या कहते हैं मेरी प्यारी सी लड़की 10-20 लाख रुपए इकट्ठे करेगी, उसके बाद इसकी शादी करूंगा चोरों शोरों से, उसके बाद इसके काबिल लड़का भी मिलेगा, जमीन जायदाद हो, नौकरी बंद लड़का हो, कम से कम मेरी लड़की को ये तो नहीं आना पड़े दोबारा लौट के मेरे घर पे कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये कमी छोड़ दी कि मेरे को 10 रुपए भी मांगनी है, मेरी पिताजी से जरूरत पड़ रही है। अरे उल्टा तो मुझे तो इस बात ऐसे घर में शादी करूंगा कि मुझे कभी 1-2 लाख, 4 लाख की जरूरत पड़े तो जाके लड़की के घर पे तो कहूँ लवली 2 लाख रुपए निकाल लियो, कल ले लियो और ये मुझे तुरंत निकाल के दे, ऐसे घर में ब्याह करूंगा। इसका मतलब इससे साफ ये जाहिर होता है कि तुमने इस बेटी को शिक्षा के लिए नहीं पढ़ाया तो बल्कि अपने स्वार्थ के लिए पढ़ाया, क्योंकि ये नौकरी लगाएगी और पैसा तुम्हें। बकवास बंद कर, अनपढ़ आदमी तू हमें सिखाएगा शिक्षा और स्वार्थ के बारे में? अच्छा मुझे पागल समझ रहे हो? पागल ये मैं जानता नहीं। नहीं नहीं, तू कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता बेटा, मैं तुझे बता रहा हूँ। कह रहे हैं तेरा बाप जो है तुझे कुएं में ढकेल देगा, मैं तुझे फिर भी बता रहा हूँ। ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ता देख अपना और तू बेटा चल। चलो पिताजी, मेरी बात समझ जा रही होगी, धूप पड़ रही है वैसे भी। चलो चल। चल बेटी, मेरी बात समझ जा, तू मत, ठंडा पानी पिलवाऊंगा। चल बताओ यार, बात बंद किया कर। और बेटी है मेरी, क्या अंटसंट भगता रहता है? अंटसंट भगता रहता है। बताओ ये पिता होके ऐसा जुलम ढा रहे हैं यार अपनी बेटी पर, शर्म आनी चाहिए। श्याम, अरे श्याम कहाँ पर हो? हाँ भाभी आया। कहाँ थे तुम? सामने ही तो बैठा हूँ। तो सामने बैठे मैंने आवाज लगाई, सुनी क्यों नहीं तुमने? सुन ली, जब तो आया। एक काम करो,
वो क्या कहते हैं, जरा घेर पे चले जाओ तुम। घेर पे क्यों? मैं जरा घर का काम कर लूँ। और वो क्या कहते हैं, भैंस होगा ना, उस वाले फूटे पैसे बाहर मार दिया जाओ। यहाँ क्या दिक्कत, जोर मार रही है? अरे आप अंदर बंदिए, शाम को हम अंदर कर लेंगे ना, और जाके थोड़ा सा काम भी कर देना वहाँ पे। अच्छा। ठीक है ना। और हाँ, आज देखो सोमवार है, है क्या नहीं? तो तुम्हारा व्रत होगा? ना मेरे नहीं रखा व्रत। अच्छा। हाँ। व्रत रखोगे? क्या करूंगा, शादी वादी हो रही नहीं है मेरी। अरे होगी, शादी भी होगी एक दिन। अरे चार, मैंने तुम्हारी शादी की जुगाड़ लगाई रही हूँ, बस मैं ये चाह रही हूँ इस घर में एक और आ जाए, बस दो हम बस मजे से रहें। अभी एक बात बताओ। हाँ? कम से कम चार अक्षर पड़े हुए होते तुम तो तुम्हारे लिए हजारों रिश्ते आते। अब रिश्ते तो आ रहे हैं, लड़की पड़ी हुई है, अब पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, अब क्या करें, झूठ तो बोलना नहीं पड़ेगा भाई। कह देते हैं भाई पढ़ा लिखा तो है नहीं, और वो क्या कहते हैं, खेती बाड़ी बहुत है। आज की डेट में लड़का और लड़की दोनों पढ़े हुए होने चाहिए। अरे पढ़ाई कहाँ से करें, तुम्हारे आदमी पे ही डोगन ने पैसा सारा खर्च कर मारा है। बताओ तुम्हारे पति तो जांच चला रहे हैं, हमें यहाँ पे किस चलाने लायक में तो उनमें जहाज चलाने का दिमाग तो है, वो कम से कम पायलट तो बने, पढ़ाई करके ही तो बने, डोगन ने दाम खर्च करे। अरे तो पढ़ाया तुम तो तब भी ना पढ़े क्या? तुम क्या जानते हो कि मुझे बताना है तुम्हारी है? सारा पैसा उसके स्कूल में, वो क्या कहते हैं, वजीफा के दिन चले गए और पैसे लेके भाग गया यहाँ से। ऐसा कौन करता है? वो तो फ्री के मिलेंगे तो तुम तो भागी भागी जाओगी। हम ना करते हैं ऐसे। अच्छा चलो चलो, मैं तुम्हारे काम कर लूँ, एक आध दो काम हुआ तो बता देना, फिर मत बताना बाद में। हाँ थोड़ी सी झाड़ू लगा देना, गोबर को उधर से डालिए। भाभी एक बात बताओ मुझे, मैं झाड़ू लगाऊंगा घर में? अरे तो कोई बात नहीं है, तो मेरे देवर कम बेटे की तरह मानती हूँ मैं तुम्हें। अगर माँ के दो अक्षर वो क्या कहते हैं बात मान लोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ बस तुम्हारे पास प्यार करती हूँ तुमसे, बेटे की तरह रखती हूँ तुम्हें, बस यही तीर है। ऐसे ना मानू तो ऐसे मानू, बेटा बेटा कह के तुम मुझसे सब काम करा लो। अरे नाना एक काम करो, जल्दी आओ। और ये तुम्हारा कुर्ता जो ना फट गया है, मैंने नए सिलवाए तुम्हारे लिए कुर्ते, ठीक है? हाँ अंदर रखे है, अब सोने लग रहा। क्या करूं, थक गया था, तेरे साथ बाजार करके आया, बाजार करने के बाद भूख लग गई तो खाना खा के सुस्ती सी आ गई। ये बता क्या है? क्या है वो, पैसे चाहिए। पैसे? क्या करेगी? अब वो मेरी फ्रेंड है ना, अब वो मेला देखने जा रही है तो वो कह रही थी तुम भी चलो। अच्छा अच्छा, सहेलियों के साथ मेला देखने जाएगी? हाँ। अब तुझे क्या जरूरत पड़ गई, इतना सारा सामान तो मैं तुझे दिला के लाया था। अब पिताजी क्या है, मैं पता तो है ना, फ्रेंडों के साथ जाना अच्छा लगता है। कितने पैसे की जरूरत है? बस 5,000। 5,000? चल कोई बात नहीं, वो पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर एक बात का ख्याल रखना, देख मेले में जा तो रही है पर किसी भी उल्टे सीधे झूले पे मत झूलना, क्योंकि मुझे लगता है डर भाई, मेरे पास है एक ही बेटी, अगर मेरी बेटी झूले भूले में से गिर गई या चोट लग गई तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा। पिताजी आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं कहीं नहीं झूलूंगी। रुक जा देखूं पहले है कि नहीं मेरी जेब में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, सुबह मैंने पैसे रखे तो उसे बचा के। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है पिताजी। और कुछ? और कुछ नहीं, बस बहुत है ना। बस बहुत है, तू किसी बात की चिंता मत कर, करा कर तेज झक होके मांग लिया कर, पर ये है बेटा देख थोड़ा संभल के चलो। देखो अब तू नादान तो रही नहीं है, देख मैं तुझे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, जवानी के लिए मैं क्या बताऊं, मैं बच्ची नहीं हूं, समझता हूं। हां मैं जानता हूं बच्ची नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बेटा तुझे हमेशा जिंदगी भर बच्ची रहेगी कि नहीं भाई? बाप के लिए बेटी तो हमेशा जिंदगी भर बच्ची रहती है। और सुन ढंग से और समय से लौट के आ जाइयो, ठीक है? क्योंकि शाम को वहां से बाहर नहीं मिलेंगे, फालतू में मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ बाहर लेके पहुंचना पड़ेगा। ठीक है बता रही, मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। और आराम से जाइयो, और ज्यादा शैतानी मत करियो, है ना? नहीं करूंगी। ठीक है पिताजी, बाय। ठीक है बाय। देखिए आएगी मेला रह जाएगा इसका भी मन सर। अरे अरे क्या हुआ? अरे लाली तू तो वो जो ताऊ है कहाँ चक्की वाले, उनकी बेटी है क्या? क्या भूल गए? हाँ भूल नहीं गया मैं यही तो पूछ रहा हूँ। और ये इतने सारे पैसे लेके कहाँ जा रही है? इतने सारे? हाँ इतने सारे पैसे। अरे ये तो सिर्फ 5,000 रुपए है, कितने सारे हैं? मतलब बेटा 5,000 रुपए भी बहुत होते हैं, तुझे पता है आज के जमाने में इंसान गरीबाई की हालत से गुजर रहा है। भैया ये कुछ भी पैसे नहीं है, मैं एक एक दिन में 10,000 रुपए खर्च कर देती हूँ,
आज तो सिर्फ 5,000 ही लेके जा रही हूँ। अरे तो बेटा कम से कम देखो अच्छे से खर्च करो, ऐसे नहीं क्या ऊट पटांग कोई भी आप ऐसे पैसे खर्च कर रहे हो, कम से कम ये पैसे अगर आज के लिए बचा के रखोगे तो आगे के लिए पैसे काम देंगे तुम्हें। अच्छा अरे और क्या अच्छा क्या होता है, इसका मतलब हम अपने शौकसान कुछ भी पूरे ना करें। नहीं बेटा मैंने ये तो नहीं कहा तुमसे, कहा कि तुम अपने शौकसान पूरे करो, पर उतने ही उस हिसाब से करो जिस हिसाब से आगे पैसे आगे भी अगर ये अभी सारे पैसे खर्च कर दोगे बेटा तो फिर आगे तो कुछ नहीं बचेगा तुम पे। भैया मैं हिसाब से ही खर्च करती हूँ, ज्यादा नहीं। बेटा देख मैं तो समझा सकता हूँ तुझे, गांव के होके नाते तेरा भाई चाचा लगता हूँ कुछ भी मान ले, ताऊ चाचा कुछ भी मान ले गांव का, पर मैं तुझे समझा ही सकता हूँ। हाँ तो समझाती है ना, अब जाओ और मुझे भी जाने दो। सुन तो सही बेटा। बोलो तेरे पापा कहाँ हैं? घर पर। घर पे हैं? हाँ सो रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जा जा जा। बताओ ये बाप एक ऐसा है कि भाई अपनी बेटी को इतने रुपए दे देकर इतने बिगाड़ रहा है, तो इसने पढ़ाई करवाया है क्या करवाई है? अरे सो रहे हैं ताऊ। अरे राम जी ताऊ, अरे ताऊ सुक्का। हाँ मैं हूँ, उठो। तू कैसे भैया? अरे तुम दिन में सो रहे हो, रात में सोते नहीं हो, क्या बात है? अरे वो कुछ नहीं, वो लल्ली ने भैया से एक गिलास दूध दे दिया, सब में खाना खा लिया मैंने तो वो सुस्ती आ गई एकदम। अरे ताऊ एक बात करने आया था मैं तुम्हें। बात ये है कि एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी है ये एक एक दिन में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये बिगाड़ रही है। यहाँ तुम्हें पता है एक साल में 5,000 रुपये कमाना कितना, एक साल तो छोड़ो, चलो एक साल में तो खूब पैसे कमा लेते हैं, महीने भर में हम 5,000 रुपये अच्छे से कमा नहीं पाते हैं, अपनी जरूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, और तुम्हारी बेटी अनाप शनाप चीज़ों में पैसे बिगाड़ रही है। तू अपने ऊपर ले रहा है ना ये बात? नहीं मैं ले नहीं रहा। कमा पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं कमा पा रहा। वही बात मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम्हारी बेटी क्या समझाएगा? अब तुम्हारे पास बेटा तो है नहीं है, बेटी है, इसकी शादी भी तो करनी है भैया। शादी करनी हो या कुछ भी करना हो उसकी चिंता मुझे होनी चाहिए ना। देख और मेरी बात सुन, अकेली बेटी है, किसके लिए कमाया है मैंने? अरे किसके लिए है ये जमीन जायदाद, किसके लिए इतना बड़ा घर मकान बना के खड़ा किया है, किसके लिए इतने पोहे पाल रखे हैं? अरे 20 भैंसे, सबरा दूध मेरा डेयरियों पे पड़ता है, 85-1.5 लाख की तो मेरी दूध की इनकम है, उसके बाद तमाम खेत क्या है, बता कोई कमी है मेरे पास? अरे ट्रैक्टर चल रहे 4-4, 5-5, अरे किसके लिए करूंगा, सब उसी का है, लड़की का मेरी का। भाई तुम बात को समझ नहीं रहे हो ताऊ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें पता है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आज को ये इतने रुपए खर्च करेगी तो कल कलावा को इसकी तो शादी होने के लिए आ रही है, तो वहां कितने रुपए खर्च करेगी? वो बात की बात है, और वो परिवार शायद है कि अगर या तो इतना पैसा हुआ उस परिवार में या नहीं हुआ, सोचने वाली बात है। अरे मैं शादी ऐसे परिवार में करूंगा जो मेरे साथ खड़े होने में बराबर का सा लगे। मैं तो ऐसे परिवार में अपनी लड़की को दूंगा जिस परिवार में मेरी लड़की को एक सुई तक की कमी ना। ताऊ ये तुम्हारे उद्देश्य से नहीं होगी शादी, ये तो ईश्वर ने यहां लिख रखा है। तू आ जाएगी तुम्हारी लड़की? नहीं, इस लड़की की तकदीर मैं लिखूंगा, क्योंकि इस लड़की की तकदीर आज तक मैं लिखता हुआ आ रहा हूं। इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई, जब छोड़कर चली गई तो उसे मैं चाहता तो इस लड़की को कुछ भी कर सकता, मैं दूसरी शादी भी कर सकता था, लेकिन मैंने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता था। तो मेरी लड़की पढ़ लिख गई तो तुमने, अच्छा पढ़ाई लिखाई तो तुमने करा दी बेटी के लिए, पर तुम ये गंदे जो शौक डाल रहे हो उसके अंदर पैसे वाले पैसे खर्च कर रही है, जा रही है ऊट पटांग हरकतें कर रही है। क्या ऊट पटांग हरकत कर रही है? क्या बकवास क्या कर रहा है तू? तेरा कहने का मतलब क्या है? क्या देख लिया तूने? कैसा क्या क्या देख लिया? हाँ। नहीं तो एक बात बताओ, ये ऐसे अभी मैं अभी गुजरा हूँ, अभी हाँ। ये तुम्हारी बेटी? हाँ तो जाने दे, वैसे ही हूँ, हलाल आ गया। गिनेगी, उसके बाप के पास पैसा है तो वो तो गिनेगी, ऐसी गिनेगी 4 लोगों में गिनेगी। अरे और आज तो 5,000 की बात है, मैं तो 50,000 दूंगा अपनी लड़की को। कैसे होता है? कैसे पिता हो? ये दो चीज है, बेटी और बैल, इनको कहीं किसी जगह अगर बांध दोगे तो वहीं ये बंधी रहेंगी। अरे भैया एक बात बताओ कि इनकी सुरक्षा हमारे हाथ में, अगर ये बेटी को अगर तुम ज्यादा बिगाड़ोगे, पैसे दोगे ज्यादा, इधर उधर की मतलब बातें सिखाओगे तो वो तो बिल्कुल बिगड़ेगी। तूने अपनी आप अब एक बात बताओ, तुमने तो चलो बिगाड़ दी अपनी लड़की, कोई बात नहीं तुम्हारी लड़की यहाँ बिगड़ गई, अच्छा ये यहाँ बिगड़ गई, अगर ये कहीं तुम अंत कोई दूसरी जगह शादी करोगे, नहीं वहां दूसरी जगह शादी करोगे तो वहां भी ये ऐसी करेगी, वहां भी ये परिवार को बिगाड़ेगी। ये गलत बात है, ये सब बकवास की और तकियादूसी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जिस घर में अपनी लड़की को दूंगा वो घर मेरे बराबरी में खड़े होने लायक और मेरे साथ कदम से कदम मिलाने लायक होगा, तो उस घर में लड़की की शादी करूंगा। दूसरी बात ये है
कि मेरी बेटी 5,000 बिगाड़े चाहे 50,000 बिगाड़े मेरा नहीं है। अरे सही है। तीसरी बात ये है, जो लड़का देखूंगा उसको मैं अपने घर का जमाई बना के रखूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी अपनी बहुत नाजो पालों से पाली है ना, इसीलिए वो लड़की जब तक शादी होगी और जब तक उसका सारे काम होंगे वो मेरे पास रहेगी, जब तक मेरी मौत ना हो जाएगी, क्योंकि मेरी मौत के बाद सारी संपत्ति मेरी बेटी की है। वाह वाह बहुत बढ़िया, मतलब तुम है का है उसको भी अपना घर जमाई बना के रखो। और क्या है? और क्या शाबाश, अरे क्या संपत्ति क्या मैं खाऊंगा चाटूंगा इसे? अरे जब तुम में ऐसे संस्कार है तो तुम्हारी बेटी बेटी में कैसे संस्कार होंगे? बकवास बंद कर, बोलो बिल्कुल ऐसे मेरी बेटी में बहुत अच्छे संस्कार है, और मुझे बस सिखा संस्कारों की बात है, मुझे सब पता है संस्कार किसमें कितने है। अरे ठीक है, ऐसे आदमी अगर मुझे संस्कार समझाने लग गए तो मेरा जीवन कट गया। अरे हम तुम्हें समझाने आ गए, ये हमने गलती से हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, आज तो आ गया, आज के बाद मुझे समझाने और मत आ जाइए। दोस्तों के साथ अगर मेरा देखने चली गई और 5,000 उसने खर्च कर दिया तो तेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? पर सुनो एक बात कहूंगा मैं, इस बात में एक बात कहूंगा, ये तुम्हें आगे जाके बहुत पछतावा होगा इस बात का। वो मैं देख, ये तुम आज ये बातों को मेरी को नहीं सुन रहे हो ना अच्छे से, और ना तुम अपनी बेटी पर ध्यान दे रहे हो, इस बात का पछतावा तुम्हें आ रहा है। वो मैं देख लूंगा, पछताना ना पछताना वो मेरी इच्छा है ना, मुझे देखना है। सब आ जाते हैं समझाने, पता नहीं अपने आप को सब मजिस्ट्रेट समझने लग गए हैं, जाहिल गमाली। यही घर लगता दिखा ना, आवाज नहीं सुन रहा। अरे कोई है क्या? अरे नमस्ते भैया। अरे राम राम भाभी, राम राम। और बढ़िया भाभी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब आपने नहीं पहचाना, पर वो भैया कहाँ गए जो भैंस भैंसों का व्यापार करते थे? अच्छा हाँ, मेरे हस्बैंड की बात कर रहे हो शायद। अच्छा वो तुम्हारे पतिदेव हैं? जी जी। हाँ वो बड़े हमारे बहुत मतलब परम मित्र मान लो, हमारे बड़े भैया मान लो। अच्छा, आप कहाँ से आए हो वैसे? गंगा पार रामनगर का हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ अरे आसपास के मतलब ये ऐसे हाथ कर दिया मैंने इधर। अच्छा अच्छा, कहाँ गए भैया कहाँ गए? अब वो तो ड्यूटी पर है। अच्छा, वो जहाज चलाते हैं। अरे वाह, हाँ वो पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे थे। हाँ। अच्छा नौकरी लग गई, चलो ये बहुत अच्छी बात है। अब वो मैं भैंस वगैरह देखने आया था। हाँ, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें भैंस दिखाती हूँ। हाँ, देखो भैया ये है भैंस। अच्छा जी है भैंस। ये जो भैंस है ये तीन भैंस तो यहाँ पे बाकी घेर में है। ये तो ये तीनों भैंस क्या बिकाऊ है क्या? नहीं नहीं, ये जो ज्यादा दूध देती है उन्हें मैं यहीं पर रखती हूँ। अच्छा, और बाकी अच्छा। जो कम दूध देती है उन्हें मैं घेर में रखती हूँ। तो बिकाऊ उनमें से है? बिकाऊ उनमें से है या बाहर? उनमें से। उनमें से बिकाऊ। अच्छा अच्छा, उनमें से अगर एक आध बिकवा दो तो सही है। चलो चलो ठीक है। तो मतलब और कोई मतलब घर में? मेरे एक देवर है और मैं रहती हूँ। देवर? हाँ। तो अब वो क्या कहते हैं, वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो वो अपना यही कारोबार संभालते हैं, जैसे खेती क्यारी है और ये भैंस वैसों का दूध वूध का काम, बस यही काम है। तो उनकी धर्मपत्नी जी नहीं करती क्या? उनकी शादी नहीं हुई अभी, अब मैं सोच रही हूँ उनकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। शादी नहीं हुई देवर की? नहीं अभी नहीं हुई, अब कोई लड़की वड़की हो तो बताओ। अच्छा, लेकिन लड़की अच्छी हो ताकि हमारे देवर के साथ निभ सके, क्योंकि देखो वो अनपढ़ है। नहीं मैं समझ रहा हूँ। जानते हो आज की डेट में पढ़ाई लिखाई कितनी मायने रखती है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो चल जाएगी। नहीं बहन जी आप चिंता मत करो, आज तुमने आज मुझसे कही है ये वाली बात कि तुम्हारे देवर की शादी नहीं हुई, मैं शादी कराऊंगा तुम्हारे देवर की। और बताओ, मैं शादी कराऊंगा, ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आऊंगी, तुम्हें नाश्ता कराती हूँ। अरे भाभी जी देखो ऐसा है, समय ज्यादा हो रहा है, मुझे भी देखो निकलना है। अरे नहीं नहीं चले जाना, और देखो जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, 100 बीघा खेत है। अच्छा अच्छा, हाँ पता है तुम पर जमीन जायदाद 50-50 बीघा आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहन जी। हम तो कह रहे हैं हमारा तो सारा उन्हीं का ही है। बहुत बढ़िया, मैं तो ये कह रहा था इनमें से एक भैंस मिल जाती। चलो कोई बात नहीं, तुम इनमें से ले जाना, तुम पर शादी करवा दो। अब ऐसा है कि मैं 3 दिन बाद आऊंगा। अच्छा ठीक है, 3 दिन बाद आऊंगा, 3 दिन बाद इनमें से एक भैंस ले जाऊंगा और वो रिश्ते वाला भी लेकर के आऊंगा। ठीक है ठीक है, लड़की वाला भी। लड़की अच्छी होनी चाहिए, चिंता मत करो बहन जी, ताकि इस घर को समझ के चल सके। मैं समझ रहा हूँ, तुम तो जानते हो हमारे देवर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, कल को वो ज्यादा पढ़ी लिखी आ गई, वो बिल्कुल अनपढ़ है तो कैसे चलेगी? वो तो मैं समझता हूँ ये वाली बात है, तो आप चिंता मत करो 3 दिन बाद। पैसे देखो, पैसे की जमीन जायदाद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ वो पता है, घर पास इतना अच्छा खासा, देखो वो भी बाहर जॉब करते हैं। ज्यादा बड़ा परिवार थोड़ा, ज्यादा बड़ा परिवार, छोटा मोटा परिवार है, बढ़िया सुखी परिवार है,
अब मैं चलता हूँ, बादल हो रहे हैं कहीं, ठीक है मैं चलता हूँ ना बहन जी, 3 दिन बाद मैं आता हूँ। हाँ, और आप एक भैंस ये तैयार रखना और मैं लड़की वाले लेके आऊंगा दिखाने के लिए, ठीक है, देवर को घर भी रखना। राम राम। पिताजी पिताजी। अरे कहाँ से आ रही है भाई घूम घाम के, सुबह से तेरे दर्शन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ थी। मैं तो सुबह उठा, मैंने देखा मेरी बेटी दिख ही नहीं रही, कहाँ चली गई थी। कहाँ जाऊंगी पिताजी, गार्डन में थी। गार्डन तो ऐसे यहाँ पे वो हमारे यहाँ वो खुलवा रखे है ना, खेत वेत में डोली आई होगी, गार्डन बता दी। बता क्या काम। मैं तो उसी को गार्डन बोलती हूँ। चल तो चल, पता क्या काम। हाँ काम क्या, वही पैसे चाहिए। पैसे कल तो लेके गई है तू 5,000 रुपए मुझसे। पिताजी वो 5,000 रुपए मेले के लिए ले थे, तो खर्च हो गए। खर्च हो गए वो कोई बात नहीं, मैं तुझसे हिसाब नहीं मांग रहा हूँ खर्च हो गए क्या हो गए, लेकिन अब कितने रुपए चाहिए। 10,000 रुपए 10,000। कल परसों तो तू क्या करेगी। कपड़े लेके आऊंगी पिताजी। कपड़े लेके आएगी। अरे 20,000 रुपए के कपड़े तुझे 5 दिन पहले दिला के लाया हूँ बेटा, अभी कुछ समय थोड़ी हुआ है, और 20,000 रुपए कपड़े तूने 5 दिन में पहन थोड़ी लिए होंगे। पिताजी वो कपड़े मैंने पहन लिए और अब मेरा उनका पहनने का मन नहीं है। बेटा एक बात बता, देख मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ तू खर्चा क्यों कर रही है क्यों नहीं कर रही है, मैंने तेरा कभी हाथ भी नहीं रोका, बचपन से लेके आज तक मैंने तुझसे चवन्नी की मनाई नहीं की, तूने जितने मांगे उतने पैसे मैंने तुझे दिए। मना मत करो, थोड़ा हिसाब से चला कर। मानता हूँ कि पैसा पैसा खर्च करने में एक अलग आनंद है, लेकिन इतना भी मत खर्च करो कि मतलब हाथ से सारी चीजें निकल जाए। मेरे सिवा कोई खर्च करने वाला और भी है क्या। नहीं नहीं खर्च करने वाला तो कोई नहीं है, सब तेरा ही है, तू पूरे में आग लगा दे तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन बेटा देख तू समझदार है, देख अब तू बड़ी हो गई है, तू बच्ची तो है नहीं जो हर बात मुझे तुझे सिखानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा अपने हाथ को हिसाब से चलाएगी तो तेरे लिए भी बढ़िया और हमारे लिए भी। अब ठीक है, अब मुझे 10,000 रुपए दे दो, देने पड़ेंगे और क्या। नहीं मानेगी। नहीं मानूंगी। तेरी जिद के आगे आज तक मैं कुछ नहीं कर पाया, तेरा मन है तो ले जा, देख यही पैसे पड़े हैं मुझ पर 15,000-16,000 रुपए पकड़े सको ठंडी हो। 1,2,3,4,5,6,7,8,9 बहुत है ये अपना डंडा। ठीक है अब सुन मेरी बात, अब 1 हफ्ते तक मुझसे 1 रुपया मांग मत लियो। पूछ क्यों। क्यों। खेत में खाद नहीं है, मुझे सारे खेतों के लिए खाद लानी है, खाद के साथ यूरिया भी आना है, और इधर 3 भैंसे लात गई हैं तो वो दूध नहीं दे रही हैं, इस चक्कर में उनका भी हिसाब किताब देखना है कि इन्हें पेट में क्या। मुझे मत बताओ। नहीं मैं तुझे बता नहीं रहा हूँ, ये कह रहा हूँ 1 हफ्ते तक मेरे पास पैसे नहीं है अभी। चलो ठीक है 1 हफ्ते तक नहीं मांगूंगी। हाँ और सुन हिसाब किताब से अब ज्यादा कपड़े वपड़े क्या करेगी लाके, फालतू में तू कपड़े का ढेर कर रही है, तू मेरी सेब भरी पड़ी है, अब उन कपड़ों का क्या करूँ बताइयो। पिताजी कुछ कपड़े भी लाने, कुछ सैंडल वगैरह भी लेके आने। अरे तो सैंडल लाने बेटा, देखियो तेरे उस वाले अलमारी में देख, नीचे वाली रैक की अलमारी में पूरी अलमारी सैंडलों से भरी पड़ी है, दो बार तीन बार जो सैंडल पहन लिया, चौथी बार तूने पहना ही नहीं है, बताइयो। बस 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 अब तेरे अलावा कोई और तो है नहीं है जो हम पहन लेंगे उन्हें। अब हो गया ना, अब मैं जाऊं। चल जा और ध्यान से और समय से घर पे वापस आ जाइयो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझसे कहने आए। पिताजी ठीक है अब शांत हो जाएंगे। शांत हूँ मैं। ठीक है तो मैं चलती हूँ। समय से घर पे आ गई हूँ लौट के। आ जाऊंगी। शाम को ये बता खाना बनवाऊं तेरे लिए या रहने दूं। मैं बाहर से खा के आऊंगी। तू बाहर से खा के आएगी। चल तो चल तू बाहर से खाएगी, मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है चलती हूँ। हाँ ठीक। अरे 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 बेटा। भैया कहाँ जा रही है। अब फिर क्या बेटा, हमारे तो रास्ता ही यही है, हम तो जाना आना लगा रहता है, कहाँ जा रही है। मुझे तो लगता है मेरा ही इंतजार करते जाते हो, उस दिन जा रहे थे उस दिन भी मिल गए थे, आज जा रही हूँ तो आज भी मिल गए। तो अब कहाँ जा रही है, मैं तो तुझसे पूछ रहा हूँ, और इतने सारे पैसे लेकर के इनको कहीं अलग रखे ले जाए कर, किसी में अपने रख लिया कर आगे, तुझे पता है कि आगे सही नहीं है। सही नहीं है, कोई छीन के ले जाएगा। अरे अभी कोई छीन के ले जाए कैसे ले जाएगा, अब मैं क्या बच्ची हूँ जो मेरे हाथों में से ले जाएगा। ऐसा है मैं तुझसे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि तेरे पिता ने कुछ मुझसे ऐसी बातें कह दी हैं, उसकी वजह से मैं तुझे कुछ जवाब दे नहीं सकता। मुझे तो लगता है भैया आपको दिक्कत कुछ ज्यादा है। अरे मुझे दिक्कत नहीं है बेटा, हम तुम्हें अपना मानते इसलिए बोल रहे हैं इस बात के लिए, अगर हम अपना नहीं मानते तो तुम खूब पैसे लुटाते, तुम पैसे हाथ में क्यों लुटाते लुटाते चलो ना। अब ठीक है तुमसे कुछ बोल जाए तब कहना। और भी कुछ कहना है। राम सिंह ताऊ मैं पूछ रहा था, मैं घर पर है क्यों पूछ रहा था, उनसे बात है उनकी बात है उनसे करूंगा ना मैं तुझसे। अरे तो क्या बात करनी है, मुझे तो लगता है तुम भड़काने के लिए जाते हो मेरे पिताजी को। मैं क्यों भड़काऊंगा उन्हें। अरे मैं क्यों भड़काऊंगा भाई,
तो क्या काम क्या है जो घर पर जा रहे हो, बताओ मुझे, मैं बता दूंगी। बेटा बड़ों की बात है, छोटे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते। जाओ तुम जाओ। कल भी इतने सारे पैसे, आज भी उससे ज्यादा। अरे ताऊ, अरे ताऊ, ताऊ, तू ताऊ राम, राम राम, कैसे आए? अरे आया क्या, मैं तो ऐसे आ गया घूमने तुम्हारे पास। घूमने को तो आया, कोई बस बात का ख्याल रखियो, कोई उस विषय में बात मत कर बैठी हो। मैं किस विषय में बात कर रहा? नहीं तू पहले आया था ना, वो हिमाचल ले गया। देखो मैं किसी विषय में बात नहीं कर रहा, मैं तो आज भी देखी थी तुम्हारी बेटी, तो भैया मैंने तो उससे कहना ही छोड़ दिया और मेरे मुंह से कुछ शब्द लिखा ही नहीं। कहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो अरे वही बात, मैंने कहा ही नहीं उसे। बताओ क्यों आया? आया ये था कि ये बताओ तुम अपनी बेटी की शादी वादी नहीं कर रहे क्या? शादी? अरे मैं भी सोच रहा था यार शादी के लिए, लेकिन कोई लड़का तो मिले ढंग का, लड़का तो शादी करूं उसकी। अरे कम से कम मेरे बराबर में खड़ा होने लायक हो, मेरे लड़की के साथ कदम से कदम मिला के चलने लायक हो, कम से कम घर परिवार बढ़िया हो और अच्छा खासा कारोबार हो, सब चीज बढ़िया हो, जमीन जायदाद हो, और क्या चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल है ऐसा लड़का, क्यों नहीं तुम्हारे लिए? लड़का क्यों नहीं है तो बता, क्यों नहीं है मैं बताऊं तुम्हें? हाँ लड़का है, और लड़का ऐसा भी है समझ लो कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही है। अच्छा हाँ बता बता क्या वैसा ही है। क्या कहाँ का है लड़का, कैसा है, क्या है भाई दिखवाने में? चूहरपुर गांव देखा है तुमने? चूहरपुर हाँ देखा है। देखा यहाँ से क्या कहते हैं पार करके धनपुरा के पास है। हाँ 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 धनपुरा के पास जो है ये जो पड़ता है पता है। हाँ समझ गया, बहुत है इतना ही बहुत है। धनपुरा के पास चूहरपुर गाँव पड़ता है, उस गाँव में उसका घर है। अच्छा अब सुनो लड़का कैसा है बता। पहली बात लड़के पे जमीन जायदाद बहुत है। कितनी होगी? देखो वो दो भैया हैं। अच्छा। एक भैया की शादी हो गई और उन पर 100 बीघा खेत है, तो मतलब 50 बीघा उसका और 50 बीघा उसका। उसका बहुत बढ़िया, ठीक है, खेत तो खूब बतेरा है। और सुनो 200-250 गज में एक मकान बन रहा है बढ़िया सा। वाह 200-250 गज में मकान, 200-250 गज में मकान बना हुआ है। और भैंस पो है उनके घर में। भैंस कितनी होगी? भैंस तकरीबन 12। हाँ तो सही है, 12-14 भैंसे हैं। हाँ बढ़िया। हाँ भाई 20 पौधे तो हम पे भी हैं। हाँ हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा है वो शहरी इलाका है, तुम्हें पता है। कौन वो है? अब सुन लो, जो बड़े वाले भैया उसके वो रहते हैं बाहर और वो रहता है घर में। बड़ा वाला भैया क्या करता है? वो जहाज चलाते हैं। मतलब उड़ने वाला या पानी वाला? पानी वाला, उड़ने वाला नहीं तो नेवी है। पानी वाला तो 6-6 महीने में आता होगा लौट के। वो 6-6 महीने में आते हैं, घर पे अकेली भाभी रहती है और वो देवर रहता है साथ में। तो सही है, छोटा परिवार है, छोटा परिवार है, इसीलिए मैं तुम्हें मांग जाच क्या है? मांग जाच कुछ नहीं है उनके लिए, सिर्फ मांग जाच ये है कि सीधे सिद्धांत की हमें लड़की चाहिए। अच्छा पहले मुझे एक बात बता दे, बोलो लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है? ना 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 ना, लड़का पढ़ा लिखा है ही नहीं। बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे लड़का थोड़ा कम पढ़ा लिखा ही चाहिए। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि आजकल के हिसाब को देख के पढ़े लिखे लड़के बहुत तेज हो गए, पढ़े लिखे लड़के बहुत माइंडेड होते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी लड़की परेशान रहे और कोई दिमाग वाला आदमी उससे ज्यादा दिमाग वाला मिल जाए उसे। भाई मेरी लड़की है दिमाग वाली, कल को अगर मेरी लड़की कुछ कहे तो लड़का ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरी लड़की ने अगर दो बात कह दी तो चुपचाप सुन ले। अब देखो ये तो बात कह रहा, अब तुम ये वाली छोड़ो कि तुम्हारी लड़की कुछ दो बात कहेगी तो वो लड़का सुन सकता है, पर जो लड़के के घर में वो नहीं सुन सकते। नहीं तो मुझे उनसे मतलब क्या है? मुझे तो अपनी लड़की से और अपने दामाद से मतलब है, मुझे दुनियादारी से क्या करना कि कौन क्या कर रहा है। अरे तो तुम्हारी लड़की इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जैसे मतलब यहाँ पे कारनामे करती है ऐसे वहाँ करेगी। अरे नहीं होता है, फिर भाई शादी के बाद थोड़ी सी आदमी इंसान के अंदर समझदारी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ जाएगी इतनी बच्ची थोड़ी है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। अब आप ये है कि अब आप इस रिश्ते के बारे में क्या कह रहे हैं बताओ, कब चलने देखने के बारे में? तो मैं ये कह रहा हूँ एक बार बेटी को आ जाने दे, राय ले लूं शादी के बारे में। अरे वही बात, बेटी से क्या राय लोगे, तुम तो खुद उसके बाप हो। वो बात सही है कि मैं उसका बाप हूँ, वो मेरी बात को नहीं टालेगी। देख सुन वैसे भी आने वाली है वो 10-15 मिनट में, चलो आ जाएगी। मैं खाली उससे बस ये राय लूंगा कि बेटी शादी करना चाहती है या नहीं, बस इतनी पूछ लूंगा। ठीक है ठीक है, बिल्कुल अंदर ही बैठा पूछा, चलो ठंडा पानी पिलवाओ फ्रिज का। अरे आप तो ठंडा नहीं लस्सी मिलेगी। बैठ भाई,
मैंने कहा लाओ ताऊ को बता दें। बिल्कुल सही है, देखो ऐसे अगर नहीं आएगा और हमारे कान में कोई बात नहीं डालेगा तो हमें कैसे पता पड़ेगी भाई। हाँ वो खैर वो तो बात है ही है। अच्छा ये बता, अब मुझे मांग जास्तों की कोई है नहीं है? मांग जास्त पर हाँ ये है कि मेरी लड़की के हाथ तेली जो मुझ पे होगा वो तो मैं दूंगा जी। नहीं मांग जास्त कुछ नहीं है, मांग जास्त उनकी ना हो तब भी जो मेरी हाथ तेली होगा वो मैं दूंगा। देखो मैंने तुम्हें बता दी, देखो ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है, अगर तुम्हारी बेटी पहुंच जाएगी तो ज्यादा ज्यादा उस घर में है ना, माँ बाप नहीं है उनके, इसीलिए तो उन्होंने अपने माँ पे घर बसा लिया है। तो बहुत बढ़िया हुआ है लाला, माँ बाप होते हैं तो चुगलखोरी ज्यादा होती है, हिस्से बांट होते हैं, कल को घर टूटते हैं बिगड़ते हैं, अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर कल को अगर हिस्सा भी हुआ तो भैया आधा तू ले आ जा उसे दे दे। ये समझ लो ताऊ वो ऐसा परिवार है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो ऐसा परिवार है कि जैसे अगर एक रोटी है ना तो एक रोटी के भी तीन हिस्से हो जाएंगे तब खाएंगे वो, अब ये समझ लो। नहीं तो वो तो बढ़िया है, ये तो समझदार परिवार, ये एकता है। चलो बढ़िया है, तो बस अब लल्ली आने वाली होगी तो लल्ली आ जाए बुला लो, तो मैं बस पूछ लू, और पूछने के बाद अब क्या कहते हैं फिर तू जैसे कहेगा वैसे काम हो जाएंगे। और बता तेरे यहाँ सब बढ़िया? अरे हाँ आए बेटा इधर, तू मेरे पास आ, तुझसे कुछ बात करनी थी मुझे। मुझसे? बैग नया लेके आई? नया लेके नहीं आई, तो जहाँ से कपड़े लिए थे ना। हाँ हाँ कपड़े के साथ ही मिला है। हाँ चलो बढ़िया है, समझदार है। कितने रुपए के लिए आई कपड़े? सारे के लिए आई जितने ले गई थी। 10,000 रुपए के कपड़े लिए आई? और क्या, 20,000 के तू एक हफ्ते में ले आई थी। चल कोई बात, और भी सामान है ना। ऐसे ये अब इन्हीं के लिए कमा रहे यार, किसके लिए कमा? सही है सही है। एक बार बता, मैं तुझसे पूछना ये चाह रहा था के तेरी शादी के बारे में क्या राय है। शादी के बारे में पहली बात तो ये। अच्छा पूछ बता। जैसा आप चाहे उसमें मैं राजी हूँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया क्या बात होगी। अच्छा एक बात और बता, लड़का कैसा चाहिए तुझे, पढ़ा लिखा चाहिए, कम पढ़ा लिखा चाहिए या बिल्कुल अनपढ़ चाहिए, मुझे बता दे, क्योंकि कल को देख तू कहने लायक ना रहे भाई। देखो बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को मेरी बेटी यो क्या आके कर पे कि पिताजी ये तुमने क्या किया। नहीं नहीं देखो इस बात में कोई वो मत लो। देखिए पिताजी, लड़का मुझसे थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो क्योंकि मैं नहीं चाहती वो मुझसे ज्यादा हो। चल तो ठीक है, बस मुझे यही राय पूछनी थी और बस यही जान। हाँ एक बात और बता, मुझे कोई टेंशन ना दे। अरे ऐसे कैसे टेंशन दे देगा, ये बात आप पहले कह के चलना। अरे तू चिंता मत करे, किसी बात की हम कमी नहीं होने देंगे, तो टेंशन किस बात की होगी, और लड़के को चलाना तो हमारे हाथ में। मुझे रोक टोक नहीं चाहिए। नहीं नहीं बेफिक्र रहे, रोक टोक तो हमने नहीं करती। कुछ भी करना चाहूं, कुछ भी पहनना चाहूं। हाँ सब पहन सब ओढ़ भाई, ये बात कर लियो भाई सुक्का पहले। बिल्कुल बिल्कुल चिंता, कल को मैं नहीं चाहता हूँ कल को हमारे और उनके बीच में कोई खटपट हो कपड़ों। नहीं 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 देखो ताओ चिंता जान लो। ठीक है बता जा भाई, सुन ली मेरी लड़की की शर्तें? सुन ली काम। देख उसने पहले तुझे साफ साफ बता दिया कि देख ना तो पहनने उड़ने में कोई तकलीफ होनी चाहिए, जो वो जैसा पहनती आई है वैसी पहनेगी। ठीक है खैर उसके बाद मेरी लड़की को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, अगर चिंता हुई तो मैं उस लड़के को घर जमाई बना के घर ले आऊंगा। पर ताऊ देखो एक बात और सुनो, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो अगर थोड़ा बहुत अगर काम वो लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ तो इसे भी बटाना पड़ेगा। देखो ऐसी बात नहीं है, देखो अगर कोई काम, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरी लड़की क्या कहती है माँजी महारानी पटरानी जा रही है। मिलवाट काम काम तो सब मिलवाट से ही होती है बेटा, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तू अब ऐसा कर। हाँ देरी नहीं करती है, देरी नहीं करे। चलो अभी आज तो नहीं जा पाऊंगा, अब तो शाम का समय हो गया, तू कल सुबह जल्दी निकल चल यहाँ। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा जल्दी निकल चल, दोपहर तक वापसी आ जाएंगे। तो सुबह तुम वहाँ मिल जाना मुझे चौराहे पे। हाँ चौराहे पे है ना, गांव का वो अच्छा। मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा। हाँ, हाँ, चलो चलो तुम मेरे घर आ जाना, घर पे तो दोनों चलेंगे। ठीक है चल रहा हूँ, राम राम बात कराता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल चलो, ये चिंता भी अब दूर हो जाएगी।